तुम मारो या तो तुम मारो। औरत हाकिम के पास जा सकती है, औरत कादी के पास जा सकती है। इस्लाम में इस बात की इजाजत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई ख़वातीन आती थी और आकर अपने शौहरों की शिकायत करती थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शिकायत को दूर किया करते थे। मतलब ये निकला कि यहाँ पर शौहर औरत को मार सकता है या नहीं मार सकता सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये उठेगा फिर, क्या औरत दूसरों से मारने लगा सकती है क्या? पहले इक्वल कर देंगे हम, ताकि इस टॉपिक की ग्रेविटी पहले, ताकि लोग ये ना समझे कि यहाँ पर सिर्फ औरतों को मारने के आदाब सिखाए जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ दो, औरत भी अगर जुल्म हो रहा है तो वक्त की हुकूमत को अप्रोच करके वो प्रॉपर तरीका अपना सकती है ताकि अपने आप से जुल्म को दूर करे।